अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 78। और आज के इस लेसन में हम शेल कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि शेल कमांड क्या होती है और इस पर किस तरह काम किया जाता है, और यूजेस ऑफ शेल कमांड देखेंगे कि शेल कमांड के क्या क्या इस्तेमाल आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। ओके, अब मैं एक फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। बॉक्स ड्रॉ किया और इसे मैं ओके, अब इसके ऊपर शेल कमांड अप्लाई करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे शेल के ऊपर डिस्कस शेल कमांड है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस बटन के ऊपर सॉलिड एडिटिंग में सबसे लास्ट वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में आप देखें यहाँ पे, तो आपके पास सेपरेट क्लीन एंड चेक हम कर चुके हैं, और शेल कमांड रहती है। तो शेल के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और जिस कमांड को मैंने शेल करना है, जिस एरिया को, जिस फेसेस को शेल करना है, तो रिमूव फेसेस और अंडू ऐड ऑल लिखा आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे उस फेसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा ये वाला फेस, मैंने इस फेस को शेल करना है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ या माउ कीबोर्ड से स्पेस या एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, और अब इस पॉइंट को मैं शेल करना चाह रहा हूँ 0.3 इंचेस। ओके, तो आपका ऑब्जेक्ट शेल हो चुका है, और आप इसको देखना चाहें तो आप, मैं यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, और यहाँ से आप देखें तो आपको शेल नज़र आ रहा होगा। देखें बिल्कुल अंदर से खाली हो गया है, और मैं इसको काट के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि शेल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से स्लाइस टूल लेता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस कॉर्नर से काटता हूँ यहाँ तक, ये वाला हिस्सा अलग हो गया, क्लिक करता हूँ। ये ले, अब आप देखें जरा, तो मेरा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो मैं शिफ्ट को प्रेस करके मैं मूव करता हूँ इसको, देखें ये बिल्कुल खाली हो गया अंदर से, और क्योंकि इसके पीछे बॉक्स था तो मैंने इसको जो ऑफसेट दिया था, तो मैं मतलब इस सारे के विड्थ के ऑफसेट जो दिया था, उस ऑफसेट की वजह से यहाँ से पीछे से रह गया, तो हमारे पास शेल कमांड अप्लाई हो गया। अब यही शेल कमांड और भी जगह पर यूज़ करते हैं, और कौन कौन सी जगह पे यूज़ हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और एट द रेट ऑफ 10 फीट कॉमा और कॉमा 10 फीट कॉमा 6 फीट, एंटर करता हूँ, जेड जेड स्पेस ए स्पेस। ओके, इसको एक्सट्रूड करता हूँ मैं। अक्सर फॉर एग्जांपल जो छत होती है आपकी घर की, तो उस छत पे किस तरह का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ओके, एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसको एल इंटर करता हूँ इसके इस पॉइंट से। ओके, और इसके अलावा मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, निकल यहाँ से भी इंटर करता हूँ। निकल यहाँ से भी इंटर करता हूँ F8। पहले इसको इम्प्रिंट करता हूँ इस लाइन को, तो इसको इसके लिए मैं इम्प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ से ये ऑप्शन मेरे पास इम्प्रिंट का क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ स्पेस, और अपने जिस ऑब्जेक्ट को मैंने इम्प्रिंट करना है उसको जूम करके उसको सिलेक्ट करता हूँ। सॉरी, एक सही क्लियर नहीं हो रहा, तो यहाँ से आपने जाना है जाके, और यहाँ से 2D वायर फ्रेम पर मैंने क्लिक किया। अब मैं करता हूँ इम्प्रिंट, इम्प्रिंट किया आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यस। ओके, अब मैं कोड लाइन लेता हूँ एल इंटर इस पॉइंट से, F8 प्रेस करता हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन लगे, F8।
इस ऑब्जेक्ट को भी इम्प्रिंट करता हूँ और इसको इम्प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ से इम्प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यस। अब कंट्रोल को प्रेस करके मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल को प्रेस करके, कंट्रोल को प्रेस किया और मैंने यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट किया। ओके, और अब मैं कोशिश करता हूँ कि इस लाइन को थोड़ा सा आगे ऊपर लेके जाऊँ। ओके, और अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करूँ, कंट्रोल को प्रेस करूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ इसका शेड कैसा बना है, अगर सही है तो मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। चलिए कुछ बेहतर है। या नहीं है बेहतर तो कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ मैं। ओके, अब सही है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ। ओके, और अब इसके ऊपर मैं एम्प्रिंट कमांड यूज़ करूँगा, तो उसके लिए पहले मैं इसको शेड देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और इसको शेडेड व्यू में शेड दे दिया मैंने, और अब मैं यहाँ पे एम्प्रिंट कमांड यूज़ करूँगा। तो एम्प्रिंट कमांड यूज़ करने के लिए पहले मैं सॉरी एम्प्रिंट कमांड नहीं, शेल कमांड यूज़ करता हूँ। तो शेल कमांड के लिए मैं शेल पर क्लिक करता हूँ एंड अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको शिफ्ट को प्रेस करके अपने माउस से स्क्रॉल जो बटन होता है उस पर क्लिक करके उसको मूव करता हूँ और मैं इसके अंदर वाले पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक किया और अब मैं एंटर करता हूँ कितना इसको मैं देना चाह रहा हूँ जी शेल। सिक्स इंच। ओके, तो देखिए आपका शेल अप्लाई हो गया। अब ये 6 इंच बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको कम करता हूँ और कम करने के लिए मैं दोबारा से शेल सिलेक्ट करता हूँ, इसको शेल कमांड को क्लिक किया मैंने और सिलेक्ट किया। अब मैं शिफ्ट को प्रेस करके स्क्रॉल बटन पे क्लिक करके और मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ, उसका फ्रंट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और 0.3 इंच में इसको देता हूँ शेल और मैं इसे 1 इंच देता हूँ। ओके, अब मेरे पास शेल अप्लाई हो गया और अब इसको देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, देखें ज़रा, तो यहाँ पे शेल इस पे अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। ओके, और यही शेल और भी जगह पे अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी जगह पे अप्लाई हो सकता है वो भी देखते हैं। और उसके लिए मैं एक सी एंटर करता हूँ या मैं यहाँ से टॉप व्यू पे जाता हूँ, एंटर किया, देखो और सी एंटर करता हूँ, सॉरी, एक और सी एंटर करता हूँ, सी एंटर करता हूँ एक और, एक और सी, एंड एक और सी इंटर करता हूँ,
एक और से इंटर करता हूँ, देखता हूँ कि ऑब्जेक्ट बनेगा मुझसे कि नहीं, ये आपको प्रोजेक्ट भी है समझे। सी ओके चलिए सही है। यहाँ पे मैं इसको मूव करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ओके अब मैं इसको यहाँ से टॉप पे में गया और यहाँ से मैं इस बारा इसको टॉप पे तो आ गया था। अब मैं यहाँ से दोबारा इसको मैं वर्ड पे क्लिक करता हूँ और इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके अब जो काम करना है मैंने वो क्या करना है जी, मैं यहाँ से एम एंटर करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा। मूव किया एंड फिर मैं एंटर करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ एंटर F8। एम इंटर F8 प्रेस करके स्ट्रेट एम इंटर F8 ओके और फिर एम एंटर करता हूँ एम एंटर एम एंटर एंटर एम एंटर ओके। और अब मैं इसको एम एंटर यहां से भी करता हूँ थोड़ा सा एम एंटर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहां तक और इसको मैं एम एंटर करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एम ओके। अब मैं कोशिश करता हूँ जो मैं बनाना चाह रहा हूँ कि वो बन जाए और उसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले मैंने एक्सट्रूड में मैंने लॉफ्ट कमांड के ऊपर लॉफ्ट कमांड लेता हूँ और मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड को करता हूँ, थर्ड को करता हूँ, फोर्थ को करता हूँ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ और क्रॉस सेक्शन नहीं हो रहा। लॉफ्ट कमांड ली ओके मेरा ऑब्जेक्ट बन गया जी। ओके देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बना है और बड़ा ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट बना है। अब इसके ऊपर मैंने काम करना है, इसके ऊपर अब मैंने वो अप्लाई करना है। तो जो दूसरा सर्कल था वो मैंने अरेज कर दिया था, हालांकि उसकी उसका कोई मसला नहीं था, ये मैंने बाहर पहले क्लिक कर दिया था लॉफ्ट पे। तो अब मैंने अगर वो भी होता तो मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त ये शेप बन जाती, यहाँ से इस तरह आ जाती। ओके अब मैंने जो काम करना है वो मैंने काम ये करना है कि मैं इसको भी जो है तो अंदर से मैं खाली करना चाह रहा हूँ, एक घेड़ा नुमा शेप बनाना चाह रहा हूँ या सुराई या पता नहीं क्या उसको कहते हैं वो बनाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं शेल
क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट को प्रेस करके मैं इसको फ्रंट से सिलेक्ट करूँगा। फ्रंट से सिलेक्ट किया मैंने इसको और मैं अब स्पेस प्रेस करता हूँ और इसको मैं देना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 0.9 इंचेस। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे देखें, एक देखें यहाँ पे सुराही बन गया, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा वो दे दिया, मेन कम दे दिया मैंने ऑफसेट। और इसके लिए मैं दोबारा शेल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस सॉरी शिफ्ट मूव करता हूँ ऑब्जेक्ट को, फ्रंट सेलेक्ट किया, 0.2 इंच। ओके, देख सकते हैं आप, अब आप देखें तो आपको यहाँ से ये खाली नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं। तो ये जी कमांड थी जी आपकी शेल की। अब यही शेल आप बैक साइड से खाली करना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को, तो बिल्कुल खाली करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बैक साइड से मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, देखिए बैक साइड से हमारे पास है, लेकिन बैक साइड से मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये खाली हो जाए और शेल की शेप बन जाए हमारे पास। तो इसके लिए मैं दोबारा में शेल में कंट्रोल जेड करता हूँ इसको, और अब मैं यहाँ पे जो शेल की कमांड यूज़ करूँगा वो कुछ डिफरेंट होगी। वो कैसे होगी, तो उसके लिए मैं पहले आपको एक बॉक्स के ऊपर वो शेल अप्लाई करके देता हूँ, या फिर मैं एक सिलेंडर नुमा शेप के ऊपर बना अप्लाई करके देता हूँ। और अब मैं इस पे शेल कमांड पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने करना है जो काम करना है वो ऐड, ऐड पे क्लिक करना है और शिफ्ट को प्रेस करके मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब मैंने रिमूव करना है इस ऑब्जेक्ट को, और अब मैं यहाँ पे देता हूँ इसको रिमूव फेसेस, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने, सॉरी इसको भी सिलेक्ट किया मैंने ऐड करने के बाद, इसको भी सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और इसको डिस्टेंस देता हूँ 0.3 इंच। तो देखें तो ये बीच में से खाली हो गया, आप देख सकते हैं, देखिए खाली हो गया बीच में से। और यही काम आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, उसके लिए मैं इसको शेल पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और आल के लिए मैं ऐड के लिए एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड, एंटर किया और रिमूव के लिए आर एंटर करता हूँ। कौन कौन से ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, मैंने इस पॉइंट को भी करना है और इस पॉइंट को भी करना है। स्पेस 0.2 इंचेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास शेल पे शेल भी अप्लाई हो गया और इसको इसने रिमूव भी कर दिया, देख सकते हैं। अगर नीचे से नहीं हुआ रिमूव तो उसके लिए मैं दोबारा इसको करता हूँ, इस पर काम करता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि दोबारा इसको रिमूव कर दे, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ और F7 प्रेस करके गाइडलाइंस को ख़त्म करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो शेल पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ऐड किया, कौन सा ऑब्जेक्ट जी, और ऐड के साथ रिमूव भी किया, आर एंटर, इस ऑब्जेक्ट को भी रिमूव किया, दोनों को रिमूव करने के स्पेस कितना 0.2 इंच, सॉरी यही मैंने सेंटर वाला वो कर लिया।
शेल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ऐड के लिए एंटर किया, रिमूव के लिए आर एंटर किया, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट देखिए, एक ये सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एक ये सिलेक्ट किया, ये मुझसे ये जो रोटेट होता है ऑर्बिट 3D उसमें थोड़ा सा मसला आ जाता है। फिर मैं करता हूँ शेल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ऐड किया, रिमूव किया ये वाला ऑब्जेक्ट भी, जीरो फुट 3 इंच, सॉरी ये यहाँ पे नहीं हो रहा। चलिए आपको समझ तो आ गई होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोबारा एक और ऑब्जेक्ट बना के उस पर भी काम करूँ। यही तो मैं एक सी एंटर करता हूँ, एक और सी एंटर करता हूँ, और सी एंटर करता हूँ, एक और सी एंटर करता हूँ, मूव करते हैं इसको, इसको ही मूव करता हूँ, इसको भी मूव करता हूँ, और लॉफ्ट कमांड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब मैं इसको दोबारा अप्लाई करता हूँ और शेल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऐड के लिए एंटर, रिमूव के लिए आर एंटर, रिमूव के लिए आर एंटर और शिफ्ट को प्रेस करके तो मैं यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, पॉइंट 3 इंच। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा शेल। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैं फिर करता हूँ शेल ऐड के लिए एंटर, फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया, सेकेंड पॉइंट को सिलेक्ट किया, स्पेस 0.3 इंच, चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ।
ओके स्टूडेंट, तो एक मसला मैं कर रहा था कि मैंने यूनिट्स के हिसाब से मैं काम नहीं कर रहा था, तो इसके लिए मैंने दोबारा से स्विच आइसोमेट्रिक व्यू में मैं आया हूँ, और यहाँ से मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में, तो यहाँ से मैं टॉप पे जाता हूँ, मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ सी एंटर। सर्कल जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहा हूँ जी एक फिट का जेड स्पेस ए स्पेस, फिर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ सी एंटर 1 फिट, ओके फिर एक और सर्कल सी एंटर 5 इंचेस सी एंटर 5 इंचेस, ओके। और अब मैं यहाँ से ये बल्कि यहाँ से आप जाएँ टॉप के बजाय वर्ड पे जाएँ और यहाँ से इसको चेंज कर लें, ठीक है। अब ये काम करेगा क्योंकि पहले मैंने इससे सही मैं ये नहीं जाता, तो जो मैं इससे ऑफसेट दे रहा था तो वो ऑफसेट इतना था ही नहीं कि ये अंदर से इसको शेल करता। तो अब मैं यहाँ पे मूव कमांड अप्लाई करता हूँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ यहाँ तक, तो जूम करो ताकि क्लियर नजर आए, ओके। और अब मैं इसको मूव करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, ओके। अब मैंने यहाँ से जो कमांड लेता हूँ वो मैं यहाँ से लॉफ्ट कमांड ले रहा हूँ, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ओके। मेरे पास यहाँ पे शेप बन गई है, और अब मैं इस पे काम करता हूँ, तो वो काम मैं जो करने जा रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ से शेल कमांड यूज़ करता हूँ। शेल कमांड पे मैंने क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से ऐड के लिए ए एंटर करता हूँ, और रिमूव के लिए आर एंटर करता हूँ। मैं दोनों साइड से मैं इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, और मैं अपने फ्रंट ऑफ व्यू को सिलेक्ट करता हूँ एंड बैक साइड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और अब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ और इसको मैं देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 0.3 इंचज़ में इसको शेल करना चाह रहा हूँ, ओके। तो अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे शेल कमांड एक्टिव हो अप्लाई हो गया, और आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल अंदर से खोखला हो गया, देख सकते हैं। तो ये फंक्शन था जी शेल कमांड का, आप देख सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेसन समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।